आप सबने मूवीज में साइबॉर्ग को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि साइबॉर्ग रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। साइबॉर्ग का मतलब एक ऐसा इंसान जिसके शरीर का कोई ना कोई भाग टेक्नोलॉजी के वजह से इनहेंस हुआ हो। आज हम लोग कुछ ऐसे ही रियल लाइफ साइबॉर्ग के बारे में बात करेंगे। नील हार्विसन का जन्म बार्सिलोना में एक्सट्रीम कलर ब्लाइंडनेस के साथ हुआ था। इसका मतलब वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर ही देख सकते थे। बाद में उन्होंने सर्जरी द्वारा अपने ब्रेन में साइबॉर्ग एंटीना लगवा लिया, जिसके वजह से उनकी कलर को पहचानने की क्षमता नॉर्मल ह्यूमन से भी अच्छी हो गई। यहाँ तक कि एक गवर्नमेंट ने उन्हें ऑफिशियल साइबॉर्ग घोषित कर दिया है। वो साइबॉर्ग फाउंडेशन के को-फाउंडर भी हैं। केविन वॉर्विक, इनका जन्म कैर्सली कोवेंट्री में हुआ था। 2002 में उन्होंने टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए अपने नर्वस सिस्टम में सर्जरी द्वारा 100 इलेक्ट्रोड घुसवा लिए, ताकि वे अपने नर्वस सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकें। उन्होंने सक्सेसफुली अपने नर्वस सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो एक रोबोटिक हैंड कंट्रोल कर सकते थे। और मज़ेदार बात यह है गाइस कि वो जो कुछ भी रोबोटिक हैंड से छूते थे वो उसे महसूस कर सकते थे, जिसके वजह से वे किसी भी चीज़ को ईजिली ग्रिप कर सकते थे। टीलियो अकार्डियो, जिन्हें स्टेरलैक के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म हैमबर्ग जर्मनी में हुआ था। उनका मानना था कि ह्यूमन बॉडी ऑब्सोलेट है। ऑब्सोलेट का मतलब होता है नई चीज़ आने के बाद पुरानी चीज़ का बेकार हो जाना। उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए अपने लेफ्ट हाथ में आर्टिफिशियल ईयर लगवाया हुआ है और एक शो में अपने आप में इलेक्ट्रोड लगवा लिए और लोगों को अपनी बॉडी इंटरनेट के द्वारा कंट्रोल करने के लिए छोड़ दिया। कैमरन क्लैप ये कैलिफोर्निया के रहने वाले थे। उन्होंने अपने दोनों पैर और एक हाथ एक रेल एक्सीडेंट में खो दिए। बाद में उन्हें एक रोबोटिक पैर और रोबोटिक हाथ दिया गया, जो वो अपने ब्रेन की मदद से कंट्रोल कर पा रहे थे। उसके बाद वो एक मोटिवेटर बन गए। 1978 में विलियम डोलवे के द्वारा जेरी नाम के अंधे आदमी के विजुअल कॉर्टेक्स में 68 इलेक्ट्रोड लगाए गए, जिसकी वजह से उसकी लाइट को देखने की क्षमता वापस आ गई। लेकिन शुरुआत में उन्हें सिर्फ ग्रे शेड दिख रहे थे, वो भी बहुत लो फ्रेम रेट पे। बाद में अपग्रेड के बाद वह सिंपल काम करने में सक्षम हो गए बिना किसी के मदद के। जॉनी रे, जो कि जॉर्जिया के रहने वाले थे, यह एक पहले ह्यूमन साइबॉर्ग थे। उनकी बॉडी स्ट्रोक की वजह से लॉक हो गई थी, लेकिन उन्हें उनकी पुरानी ज़िंदगी वापस चाहिए थी, इसलिए उन्होंने साइंटिस्ट केनेडी के एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो गए। कैनेडी ने उनके ब्रेन के पास एक न्यूरोट्रॉपिक इलेक्ट्रोड लगा दिया, जिसकी वजह से उनकी कुछ मूवमेंट वापस आ गई, लेकिन 2002 में उनकी मृत्यु हो गई। रॉब स्पेंस, इनका जन्म कॉक आयरलैंड में हुआ था। उन्होंने अपने आप को रियल लाइफ साइबॉर्ग के टाइटल से नवाजा है। इन्होंने बचपन में अपनी एक आंख एक्सीडेंट में खो दी थी। बहुत साल बाद उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना उस जगह एक कैमरा लगवा दिया जाए। 36 साल की उम्र में उन्होंने एक साइंटिस्ट की मदद से एक ऐसा मिनिएचर आँख बना दिया जो उनके आँख में फिट हो सकता था। इस आइडिया को टाइम मैगजीन द्वारा वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन ऑफ 2009 का नाम दिया गया। यह आँख वो सब कुछ रिकॉर्ड करती थी जो वह देखते थे और एक कंप्लीट ट्रांसमिशन करती थी जो वो रियल टाइम कैम में देख सकते थे।